दीप्ति की हॉटनेस को पीछे छोड़ दिया मेरे आईफोन ने, क्योंकि हम रहते इंडिया में, इतनी ज्यादा गर्मी होती है इंडिया में, और ऊपर से आईफोन भाई अंग्रेजों ने इसको भाई अपने ठंडे शहर में बैठ के बना दिया। लेकिन भाई वो भूल गए कि ये फोन जो है इंडिया जैसे कंट्रीज में भी बेचा जाना है जहां पर काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो इसमें कूलिंग सिस्टम वगैरह कुछ नहीं देते भाई। एंड्रॉइड में भाई लिक्विड कूलिंग देता है, पता नहीं कौन कौन सी कूलिंग टेक्नोलॉजी देता है फोन को ठंडा रखने के लिए, लेकिन ये भाई बोलते हैं ना हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, सिंपल सा डब्बा बनाकर दे देंगे, हीट को अपने आप मैनेज करो, एसी लगाओ या कुछ भी करो। लेकिन आपने हमारे चैनल क्यों सब्सक्राइब कराया भाई, हम बैठे हैं ना, हम बता दें सॉल्यूशन क्या क्या आप कर सकते। देखो मैं काफी सारे आपको टिप्स देने वाला हूं जो कि हेल्प करेगी आपको आईफोन को ठंडा रखने के लिए। अब देखो आईफोन जितना ज्यादा हीट होगा ना आपकी बैटरी हेल्थ भी उतनी ज्यादा डिग्रेड होती चली जाएगी। अगर आपका फोन हमेशा गर्म रहता है, ज्यादा गर्मी में रहता है आपका फोन, तो देखना आपकी बैटरी की जो हेल्थ है ना वो भाई एकदम से नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। तो बैटरी हेल्थ भी मेंटेन करना चाहते हो तो भी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहला तरीका है कि भाई डायरेक्ट सनलाइट में यूज मत करो। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा जब आप डायरेक्टली सनलाइट में यूज करते हो ना, आउटडोर में डायरेक्ट भाई सनलाइट पड़ रही है तो आपका फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है। ये भाई सनलाइट को काफी ज्यादा हेट करता है, मतलब आप वहीं खुली एरिया में छांव में भी बैठेंगे तो भी बेटर रहेगा, लेकिन डायरेक्टली सनलाइट के नीचे आप अपने फोन को यूज करो तो ये काफी ज्यादा हीट होता है, तो डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करो। और इसी तरह काफी लोग जो है ना अपने कार पर, कार के डैशबोर्ड पर अपने आईफोन को रखकर चले जाते हैं, तो वहां पर भी ना डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है वो आपके फोन पर पड़ती है, और गाड़ी के अंदर भाई इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है ना, जिस वजह से एक तो डायरेक्ट सनलाइट, ऊपर गाड़ी के अंदर जो गर्मी बन गई वो उस वजह से आपका फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है भाई, फट भी सकता है। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर सारी लाइट आपकी सनलाइट जो है वो कन्वर्ज होकर डायरेक्टली आपके आईफोन पर पड़ रही है तो भाई कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा और सबसे बड़े तरीका होता है कि भाई आईफोन पर कवर यूज मत करो। पता है भाई हम इंडियन है, काफी ज्यादा प्यार से रखते हैं अपने आईफोन को, भाई अगर आपको हीट मैनेज करनी है तो कवर उतार कर फोन को यूज करो, क्योंकि आप जो केस यूज करते हो ना उसकी वजह से आपके फोन की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही कैप्चर्ड रह पाती है और अंदर ही अंदर वो फोन को और ज्यादा गर्म करती है। तो अगर आप कूल रखना चाहते हो भाई बिना कवर के यूज करो, चाहे वो चार्जिंग के टाइम पर उतार लो या फिर फोन जब आपका ज्यादा हीट हो रहा तब उतार दो, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बिना कवर के अपने आईफोन को यूज करो। इसके अलावा आप अननेसेसरी एप्लीकेशंस को क्लोज कर दो, क्योंकि काफी सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपने मैप खोला, आप कहीं घूमने जा रहे हो ट्रिप पर, आपने मैप खोला उसमें GPS आपका चल रहा था, आपने यहाँ पर नेविगेशन वगैरह भी ऑन कर लिया, फिर आपने क्या करा, अब यूज नहीं करो लेकिन आप नेविगेशन ऑन है और आप होम पर आ गए, WhatsApp यूज करने लगे, मैसेज चेक करने लगे, कैमरा वगैरह खोल लिया, वो भाई बैकग्राउंड में आपका GPS यूज कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है तो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को क्लोज कर दो, और वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन अगर आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन को रिसेंट से क्लोज कर दो। इसके अलावा अगर आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है और अगर आप मान लो ट्रिप पर गए हो, फोटोज वगैरह खींच रहे हो, भाई स्क्रीन पर आ गया, हम फोटो नहीं खींचेंगे, पहले अपने फोन को ठंडा करो। ठंडा करने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, इमरजेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह ऑफ कर सकते हो। यहां पर मैं ऊपर से नहीं बोल रहा हूं, यहां से आप ऑफ करेंगे तो वो सिर्फ डिस्कनेक्ट करता है। आप सेटिंग्स में जाना, वहां पर वाईफाई में जाना, फिर उसको टर्न ऑफ करना। इसी तरह ब्लूटूथ में जाना, वहां पर आपको दिखेगा उसको ऑफ कर देना। इसी तरह अपनी लोकेशन वगैरह बाकी चीजें जो है उसको ऑफ कर देना। इसके अलावा दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर यूज कर लो। देखो ये मैं ना एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए टिप्स दे रहा हूं, मतलब शुरू की जो टिप्स थी वो तो जनरल टिप्स होगी, डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन जब है, जब आपको भाई किसी सिचुएशन में फंस गए हो, फंस गए मतलब आप सिंपल सा यही है कि भाई आप फोटोज वगैरह खींच रहे हो और आपका फोन दिखा रहा है कि भाई आपका फोन हीट हो रहा है, इसको ठंडा करो पहले, तो वो आपकी इमरजेंसी कंडीशन होगी। फोटोज वगैरह लेनी है, भाई आप घूमने आए हो और वो कह रहा है कि भाई हम फोटोज नहीं खींचने देंगे, जब आपका आईफोन हीट हो जाता है तो फोटोज नहीं कैप्चर करने देता, कैमरा उसका नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में आप एयरप्लेन मोड पर सेट कर सकते हो फोन को और यूज करना शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद ठंडा हो जाएगा अगर आप सारी टिप्स वगैरह फॉलो करेंगे तो। इसके अलावा भाई एक सबसे मेन चीज है अपनी ब्राइटनेस को लोअर रखना और डार्क मोड ऑन करना। आपको पता है जितनी ज्यादा आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस होगी ना उतना ज्यादा फोन हीट होता है, डिस्प्ले साइड से काफी ज्यादा हीट होता है, ये आपको पता ही होगा, तो जितनी कम ब्राइटनेस रखें उतना कम हीट होगा, साथ में डार्क मोड ऑन और ऑन कर देंगे तो और कम हीट होगा, तो ये चीज ध्यान से फॉलो कर लेना। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर में फोटोज वगैरह क्लिक करने वाला है, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो फोन हीट होगा, आपको ये पता है, तो आप क्या करो थोड़ी देर पहले से ही ना हैवी यूज करना बंद कर दो, मतलब हो सके तो भाई अपने आईफोन को उठाकर रख दो डब्बे में कि भाई अभी थोड़ी देर रुका रहा है तो ठंडा हो जा पूरा, अगर कार वार में बैठे हो तो एसी के सामने रख दो कि भाई तू पूरा ठंडा हो जा, उसके बाद फोटोज वगैरह आप क्लिक
कर लेना। इसके अलावा अगली टिप जो है वो सिंपल सी है कि भाई अपने आईफोन को ना अपडेटेड रखो। आजकल तो भाई आईफोन अपडेट करते ही ग्रीन स्क्रीन का इशू आ रहा है। हमारा भी एक आईफोन जो है आईफोन 13 ग्रीन इशू का शिकार हो चुका है। तो फिलहाल यार थोड़ा देख कर अपडेट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आते ही अपडेट कर लो, रिव्यूज वगैरह चेक करो, उसके बाद जो है अपने आईफोन को लेटेस्ट iOS सॉफ्टवेयर पर रखो। इसके अलावा अगली टिप ये है कि भाई डेफिनेटली आप अपने आईफोन को जो है ना ठंडे प्लेसेस पर यूज करो, ठंडी जगह रखो। मतलब ये है कि आप जो है घर में एसी वेसी लगवाओ, नहीं है तो एसी लगवाओ, आप एसी में सो रहे हो या फिर वो मैटर नहीं करता, आपका आईफोन एसी में होना चाहिए। आप पंखे में सो रहे हो या फिर नहीं वो मैटर नहीं करता, आपका आईफोन पंखे के नीचे होना चाहिए। तो ये टिप ध्यान से फॉलो कर लेना। गाड़ी में बैठो, एसी बंद कर रखे तो एसी चलाओ, आपको भले से ठंड लग रही हो लेकिन आपके आईफोन को जरूरत है एसी की। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आप अपने आईफोन को ठंडे प्लेसेस पर यूज करो। मतलब आपके पास दो ऑप्शंस है, एक जगह थोड़ी गर्मी है एक जगह थोड़ी ठंडी है, तो आप ठंडी वाली एरिया में जाओ। हो सकता है आप आउटडोर बैठे हुए कुछ यूज करो, तो हो सके आउटडोर से उठकर ना अंदर आ जाओ, थोड़ा ठंडा होगा वहां यूज कर लो, पंखे के सामने यूज कर लो। इसके अलावा जो लास्ट टिप है वो है भाई एक्सटर्नल कूलिंग डिवाइस वगैरह ले लो। देखो अगर आप आईफोन में गेमिंग वगैरह करते हो, गेमिंग के टाइम पर हीट होता है, या फिर आप घर पर कोई काम करो जिसमें हैवी टास्किंग करो जिस वजह से आईफोन हीट होता है, तो उस सिनेरियोज में क्या कर सकते हो, आप जो है ना एक्सटर्नल फैंस ले सकते हो, या फिर जो कूलिंग पैड होते हैं ना जो आपके स्मार्टफोन के लिए होता है। आईफोन के लिए ना काफ़ी सारे डिवाइसेज आते हैं जो कि आपके आईफोन को कूल रखने के लिए होते हैं, वो बैक में लग जाते हैं, और फैन वगैरह होता है वो आपके आईफोन की जो हीट है उसको जो है ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो या फिर चार्जिंग के टाइम पर आप उस तरह के डिवाइसेस का यूज कर सकते हो जो कि आपके आईफोन को कूल रखने में हेल्प करेगा और आपकी बैटरी हेल्थ भी मेंटेन्ड रहेगी। तो मैंने आपको ये 10 टिप्स बताई थी जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने आईफोन को ठंडा रखने के लिए। बाकी ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में बता देना। आईफोन की इसी तरह की टिप्स वाली वीडियोस काफी सारे आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हीट के हिसाब से तो मैनेज, लेकिन भाई वो